हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू स्टडी वार यूट्यूब चैनल। और फ्रेंड, आज से हम पढ़ने जा रहे हैं एलजेब्रा बीजगणित। ठीक है, इस चैप्टर के अंतर्गत हम एसएससी के सारे एग्ज़ाम, एसएससी सीजीएल, सीपीओ, एमटीएस, एलडीसी, रेलवे, मतलब अदर जितने भी एग्ज़ाम होते हैं जिसमें मैथ्स आता है, और एलजेब्रिकल पार्ट एक ऐसा है जिसके 4 से 5 क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में आते हैं, और एसएससी जैसे एग्ज़ाम में कम से कम 5 से 8 क्वेश्चन आने की पूरी पूरी संभावना रहती है। और हम इस लेक्चर और इस सीरीज़ के अंतर्गत पूरे पूरे 250 क्वेश्चन कवर करेंगे, जिसका ये पार्ट नंबर फर्स्ट होगा। और इस लेक्चर के अंतर्गत हम जिन चीज़ों की ट्रिक हो सकती है उनको ट्रिक के माध्यम से और पूरे फुल कॉन्सेप्ट वाइज सॉल्व करेंगे। और यदि आप इस सीरीज़ को कंप्लीट कर लेते हैं तो मैं गारंटी लेता हूँ कि आपका एलजेब्रा प्लस फिर आगे जो आने वाले चैप्टर है त्रिकोणमिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, फिर ज्योमेट्री का जितना भी पार्ट है आपको पूरा पूरा ज़रूर बनेगा। तो आइए मित्रों, हम सीरीज स्टार्ट करते हैं और आप इस सीरीज़ को कम्प्लीट ज़रूर कीजिएगा। तो हम इस लेक्चर में स्टार्टिंग से लेकर, जीरो से लेकर जो चीजें स्टार्ट करने वाले, तो हम हर एक क्वेश्चन को टाइप वाइज स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले टाइप की बात करते हैं, तो सबसे पहला टाइप स्टार्ट करते हैं, तो हम जो एक फॉर्मूला को बेस उठाएंगे और उसी फॉर्मूले से हम धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे। और लेक्चर आप पूरा देखिएगा, जितने भी घंटे का हो जाए। तो आइए हम पहला फॉर्मूले की बात करें। तो सबसे पहले फॉर्मूले को आप जानते हैं बहुत अच्छे से कि ए प्लस बी पूरे का होल स्क्वायर है। ठीक है, हम अगर एलजेब्रा पढ़ रहे हैं तो मैक्सिमम चीजें हैं फॉर्मूला बेस होगी, और हम आइडेंटिटी की भी आगे चल के बात करेंगे। तो a प्लस बी पूरे का होल स्क्वायर बराबर से आप जानते हैं कि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab होता है फॉर्मूला। ठीक है, तो सबसे पहले अब इस बेस पे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है। तो पहले क्वेश्चन की अगर हम बात करें कि x प्लस 1 अपॉन x इक्वल टू आपको दे दिया 2, और आपसे वैल्यू पूछ रहा है कि x डी पावर 2 प्लस 1 अपॉन x डी पावर 2 का मान क्या होगा। तो आप एक चीज याद रखिएगा कि जब भी आप एलजेब्रा सॉल्व कर रहे हैं तो आपसे पूछा क्या है, पावर 2 की वैल्यू पूछी है, मतलब दिया है आपको इस फॉर्म में और पावर 2 की वैल्यू पूछी है। तो आप यदि इसका बेसिक करना चाह रहे हैं तो पावर डायरेक्ट 2 कर दीजिए। पावर अगर 2 कर दे तो ये वैल्यू हो जाएगी a की और ये वैल्यू होगी b की। सॉल्व करोगे तो आएगा x का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x का स्क्वायर प्लस 2, a की वैल्यू क्या हो जाएगी x और b की वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन x इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4। x से x यहां कैंसिल आउट हो जा रहा होगा तो बचेगा कितना x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 4। और फाइनली आप सॉल्व करोगे तो x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 2, जब इधर जाएगा तो माइनस में, मतलब वैल्यू आ जाएगी कितनी 2, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो फ्रेंड, ये हो जाएगा हमारा बेसिक जिससे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए हम देखते हैं कि इसको हम शॉर्ट में कैसे सॉल्व करें कि क्वेश्चन को देखते ही हमारा आंसर आ जाए। तो हम देखते हैं, सपोज हमें एक वैल्यू दी रहती कि x प्लस 1 अपॉन x इक्वल टू, जो यहाँ पे एक नंबर होता है उसको हम मान लेते हैं a, और हमें वैल्यू यदि पूछ रहा है कि x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर का मान क्या होगा, तो हम करें क्या कि इसके दोनों पक्षों का अगर वर्ग कर दे तो यहाँ आ जाएगा x प्लस 1 अपॉन x पूरे का स्क्वायर बराबर से a का स्क्वायर, और आगे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स इक्वल टू कितना जाएगा 4 ए का स्क्वायर। एक्स से एक्स हो जा रहा होगा कैंसिल आउट, और आगे सॉल्व करेंगे तो यहां जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब यहां बचा क्या है 2, और ये प्लस का 2 इधर जाएगा तो माइनस में, तो ये हो जाएगा ए का स्क्वायर माइनस 2। तो ये हमारा हो जाएगा एक फॉर्मूला जिसमें हम जब भी यदि हमें वैल्यू दी हो किसकी x प्लस 1 अपॉन x की, और वैल्यू पूछ रहा है कि x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए, तो हम करेंगे क्या इस a का स्क्वायर, मतलब जो नंबर रहेगा उसका स्क्वायर करके 2 क्या कर देंगे माइनस। जैसे इसी बेस पे अगर हम क्वेश्चन देखें तो हमें दिया हो सपोज कि x प्लस 1 अपॉन x इक्वल टू सपोज 3 दिया है, वैल्यू हमसे पूछ रहा है कि x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए, तो हम करें क्या इस 3 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा 9, और माइनस कितना कर देंगे 2, जस्ट इसके अकॉर्डिंग कि a का स्क्वायर माइनस 2 तो कितना जाएगा 7, ये हो जाएगा हमारा आंसर। सपोज ऐसा कुछ दिया कि x प्लस 1 अपॉन x इक्वल टू दे दिया 4, वैल्यू आपसे पूछ रहा हो कि x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर का मान ज्ञात करो, तो 4 का स्क्वायर कर दोगे कितना हो जाएगा 16, और माइनस कर दोगे 2 तो आंसर कितना जाएगा आपका 14, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर का मान 14। तो आई होप चीजें आप समझ रहे होंगे। तो आइए अगले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, आइए टाइप नंबर 2 देखते हैं।
तो टाइप नंबर टू कुछ ऐसा हो जाएगा, सपोज आपको दिया है कि x माइनस वन अपॉन x इक्वल टू टू दिया है और आपसे वैल्यू पूछ रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर का मान बताइए। तो हम एक फॉर्मूला जानते हैं, बेसिकली सबसे पहले फॉर्मूला देख लेते हैं कि a माइनस बी पूरे का होल स्क्वायर इक्वल टू, आप बचपन से ये चीजें पढ़ते आ रहे हैं कि a माइनस बी पूरे का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस टू ए बी, ये होता है। ठीक है, तो इसी बेस का ये सेकेंड फॉर्मूला हो जाएगा या सेकेंड कंडीशन जो कि सेकेंड टाइप की हम बात कर रहे हैं। तो एक्स माइनस वन अपॉन एक्स इक्वल टू टू दिया और हमसे इसकी वैल्यू पूछ रहा है, तो आप सॉल्व करोगे हमें पावर टू की वैल्यू चाहिए। इसका ये मतलब है कि हम डायरेक्टली दोनों पक्षों का क्या कर दें, वर्ग, और दोनों पक्षों का अगर वर्ग कर दे तो यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, ये ए का काम कर रहा है ये बी का काम, तो प्लस वन अपॉन एक्स का स्क्वायर माइनस टू, ए की वैल्यू क्या है एक्स इंटू बी की वैल्यू क्या है वन अपॉन एक्स इक्वल टू टू का स्क्वायर कितना हो जाएगा फोर, एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो रहा होगा तो यहाँ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, और ये माइनस का टू जब इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का, मतलब चार और दो कितना हो जाएगा छः। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर कि आपको क्वेश्चन दिया था क्या कि एक्स माइनस वन अपॉन एक्स इक्वल टू टू, वैल्यू पूछा है आपसे एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी छः। तो ये तो हुआ हमारा बेसिक के, जब भी हमको ऐसे क्वेश्चन दिया तो हम बेसिक सॉल्व कर ले। तो आइए अब हम शॉर्ट में कैसे सॉल्व करेंगे एग्जाम में कि हम देखते ही आंसर बता दे। तो देखते हैं कॉन्सेप्ट क्या है। सपोज आपको दिया होता कि x माइनस वन अपॉन x इक्वल टू a और वैल्यू पूछ रहा होता कि x का स्क्वायर प्लस वन अपॉन x के स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करिए, तो हम करते क्या, इसके दोनों पक्षों का वर्ग करते तो ये हो जाता कितना x माइनस वन अपॉन x पूरे का स्क्वायर इक्वल टू टू का स्क्वायर, और आगे सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस टू इंटू ए की वैल्यू है x और b की वैल्यू है वन अपॉन एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, सॉरी ये हमने a माना है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा a का स्क्वायर, तो यहाँ आ रहा होगा a का स्क्वायर, x से x कैंसिल आउट होगा और आप सॉल्व करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर से माइनस का टू इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो a का स्क्वायर प्लस टू, तो ये हो जाएगा हमारा कंसेप्ट, ये हमारा कंसेप्ट हो जाएगा। इसका मतलब जब भी आपको कंडीशन दी हो कि x माइनस वन अपॉन एक्स इक्वल टू कोई नंबर दिया है तो पावर टू की वैल्यू निकालनी है तो आप क्या करोगे डायरेक्टली a का स्क्वायर कर दोगे और प्लस टू कर दोगे तो आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो इस बेस पे क्वेश्चन क्या होंगे, आइए हम क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले तो ये क्वेश्चन आपके सामने, कॉन्सेप्ट ये था हमारा कि x माइनस वन अपॉन एक्स इक्वल टू कोई नंबर दिया है, सपोज a दिया है, तो जब भी हमें एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है तो हमने जब इसका डिटेल देखा तो इस करना क्या, डायरेक्टली इस a का वर्ग कर देना प्लस टू कर देना, मतलब माइनस वाली कंडीशन है तो a का वर्ग प्लस टू और प्लस वाली कंडीशन है तो a का वर्ग माइनस टू, ऐसा कुछ हो रहा है। तो इस क्वेश्चन को अगर हम देखें तो x माइनस वन अपॉन एक्स इक्वल टू टू दिया है तो x का वर्ग प्लस वन अपॉन x का वर्ग का मान क्या आ जाएगा इस टू का स्क्वायर, तो टू का स्क्वायर हो जाएगा फोर प्लस टू, तो आंसर कितना आ जाएगा सिक्स। वैसे यहाँ x माइनस वन अपॉन x इक्वल टू थ्री दिया है तो हम करेंगे क्या, थ्री का स्क्वायर कितना आ जाएगा नाइन प्लस टू, तो कितना आ जाएगा इलेवन। वैसे यहाँ करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए चार का स्क्वायर सोलह और प्लस टू करेंगे तो कितना आ जाएगा 18, ये आपका हो जाएगा आंसर। मतलब आप इस कॉन्सेप्ट को याद रखिए, यहाँ सिर्फ दो कॉन्सेप्ट की बात हो रही है, एक माइनस वाली कंडीशन और एक प्लस वाली कंडीशन। तो फाइनली हम दो टाइप देख चुके हैं, तो आप अगर इन चीजों को और अच्छा करना चाहते हैं तो कम से कम दो बार एक लेक्चर को जरूर देखिए और रिपीट करके देखिए, बहुत अच्छा मजा आएगा आपको आगे पढ़ने में। तो अभी तक हमने दो टाइप देखे, पहला तो ये देखा कि एक्स प्लस वन अपॉन एक्स इक्वल टू हमको दिया है कितना ए, तो इसकी वैल्यू निकालनी है किसकी, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, तो हम करें क्या इस a का स्क्वायर कर दे और माइनस टू कर दे तो हमको वैल्यू मिल जाती है। सेकंड कंडीशन ये देखिए कि x माइनस वन अपॉन एक्स इक्वल टू ए दिया और हमको वैल्यू निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, तो हमने क्या रखा एक्स a का स्क्वायर कर दिया प्लस कितना कर दिया प्लस टू हो गया। ठीक है, प्लस टू हो जाएगा, मतलब एक चीज आप माइंड में बिठा लीजिए कि प्लस वाला क्वेश्चन है तो a का स्क्वायर करके टू माइनस करना है और माइनस वाला क्वेश्चन है तो a का स्क्वायर करके प्लस टू करना है। तो आइए टाइप नंबर थर्ड पे चलते हैं। तो आइए टाइप नंबर थर्ड का पहला क्वेश्चन देखते हैं कि हमको दिया है x प्लस वन अपॉन एक्स इक्वल टू टू और वैल्यू पूछ रहा है कि x दी पावर फोर प्लस वन अपॉन x दी पावर फोर इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले एक चीज तो हम जानते हैं कि हम डायरेक्टली एक वैल्यू निकाल सकते हैं, एक्स का स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स का स्क्वायर इक्वल टू टू का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा फोर,
प्लस वाला क्वेश्चन है, इसलिए कितना कर देंगे माइनस टू, तो फाइनली हमारा आ रहा होगा कितना टू। यदि मैं एक बार और दोनों पक्षों का वर्ग कर दूं, और दोनों पक्षों का अगर वर्ग कर दूं तो ऐसा कुछ हो रहा होगा कि एक्स दी पावर हो रहा होगा फोर प्लस वन अपॉन एक्स दी पावर हो जाएगा फोर प्लस कितना हो जाएगा टू। ए की वैल्यू कितनी बन रही है यहाँ एक्स का स्क्वायर इंटू बी की वैल्यू वन अपॉन एक्स का स्क्वायर बराबर से टू का स्क्वायर कितना हो जाएगा फोर। एक्स के स्क्वायर से एक्स का स्क्वायर कटेगा तो एक्स दी पावर फोर प्लस वन अपॉन एक्स दी पावर फोर इक्वल टू आ जाएगा, ये प्लस कट इधर जाएगा तो माइनस में, तो कितना आ रहा होगा टू, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। तो यहां आप एक चीज नोटिस कीजिए कि हमें वैल्यू दी थी किसकी, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स इक्वल टू टू। अगेन मैं इसी क्वेश्चन को समझा रहा हूं कि हमें सॉल्व क्या करना है और कैसे सॉल्व करना है जिसने हम ओरली इसका आंसर बता सके। तो एक्स प्लस वन अपॉन एक्स इक्वल टू दिया था टू, तो डायरेक्टली यदि हम x का स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स के स्क्वायर की वैल्यू निकालें तो टू का स्क्वायर कितना हो जाएगा फोर, और फोर माइनस टू करेंगे तो आ जाएगा टू। अब इतना हम जान रहे हैं कि ये जो कंडीशन है, अगर मैं दोनों पक्षों का वर्ग करूं तो यहाँ पावर टू की जगह अब कितना बन जाएगा फोर, मतलब एक्स दी पावर फोर प्लस वन अपॉन एक्स दी पावर फोर बन जाएगा। फिर से इसका वर्ग होगा मतलब टू का स्क्वायर होगा तो कितना हो जाएगा फोर, और फिर से माइनस कितना होगा टू, ठीक है हमारे कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। तो आंसर कितना आ रहा होगा, ये टू आपका हो जाएगा आंसर। तो आइए इसी प्रकार का एक क्वेश्चन और देखते हैं। तो ये आपको क्वेश्चन दिया कि x plus 1 upon x equal to 3, और आपसे वैल्यू पूछ रहा है कि x to the power 4 plus 1 upon x to the power 4 का मान कितना होगा। तो करना क्या है हमें, x का स्क्वायर प्लस 1 upon x के स्क्वायर की अगर हम वैल्यू निकाले तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा कितना 9, और 9 माइनस 2 करोगे तो कितना आ जाएगा 7। फिर उसके बाद हमें पावर 4 की वैल्यू चाहिए तो x to the power 4 plus 1 upon x to the power 4 की वैल्यू अगर हम लाएं तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, माइनस 2 करोगे तो कितना जाएगा 47। तो ये हो जाएगा आपका आंसर कि x टी पावर 4 प्लस 1 अपॉन x टी पावर 4 इक्वल टू कितना आ रहा है 47। तो आई होप चीजें आप समझे होंगे। तो आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए ये क्वेश्चन देखते हैं कि x प्लस 1 अपॉन x इक्वल टू 2 दिया है और x टी पावर 128 प्लस 1 अपॉन x टी पावर 128 इक्वल टू क्वेश्चन हमारे इसका आंसर निकालना है। सबसे पहले अगर हम आंसर निकाले तो हम आंसर किसका ला सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा टू का स्क्वायर टू, टू का स्क्वायर फोर, फोर माइनस टू आ जाएगा तो टू आंसर होगा। आगे अगर हम पावर फोर की वैल्यू निकालेंगे एक्स दी पावर फोर प्लस वन अपॉन एक्स दी पावर फोर तो ये आ जाएगा कितना टू का स्क्वायर फिर से आ जाएगा फोर, और फोर माइनस टू कितना जाएगा टू। अब फिर से दोनों पक्षों का वर्ग करोगे तो यहाँ एक्स दी पावर कितना आ जाएगा एट प्लस वन अपॉन एक्स दी पावर आ जाएगा एट इक्वल टू, यहाँ फिर से दो का वर्ग करोगे तो चार, और फिर से कितना आ जाएगा दो, मतलब आप कंटिन्यूसली करते जा रहे हो। तो फिर यहाँ पावर अभी 8 है, फिर हो जाएगी 16, फिर आ जाएगी 32, फिर आ जाएगी 64, और फिर आ जाएगी 128, ठीक है। मतलब पावर 2, फिर पावर 4, फिर पावर 8, फिर 16, फिर 32, फिर 64, फिर 128। परंतु आप देख रहे हैं कि राइट हैंड साइड में जो हमारी वैल्यू अभी भी 2 की 2 है। तो आप एक कंडीशन याद रखिएगा कि इस टाइप के क्वेश्चन, मतलब एक्स प्लस वन अपॉन एक्स इक्वल टू यदि 2 दिया हो, x प्लस वन अपॉन एक्स इक्वल टू कितना दिया हो 2 दिया हो, तो x दी पावर कितनी भी दी हो, 512 दी हो, 1024 दी हो, या 2048 दी हो, तो इस कंडीशन में इसका आंसर हमेशा आएगा कितना 2 आंसर आएगा। इस चीज को आप याद रखिएगा। तो आइए अगले टाइप पे चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि x माइनस, ठीक है टाइप नंबर 4 है ये, टाइप नंबर 4 हो जाएगा। x माइनस वन अपॉन एक्स इक्वल टू 3 दिया और हमें वैल्यू चाहिए x to the power 4 plus 1 upon x to the power 4 की। तो फ्रेंड मैं यदि आपसे पूछूं कि x square plus 1 upon x square का मान कितना होगा, तो आप बोलोगे कि 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। माइनस वाला क्वेश्चन है, इसका मतलब 2 इसमें प्लस करने वाले होंगे, तो हम आंसर कितना आ रहा है 11। मतलब x का स्क्वायर प्लस 1 upon x का स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया 11, और x का स्क्वायर प्लस 1 upon x का स्क्वायर इक्वल टू अगर 11 आ गया तो हम फिर से पावर अगर 2 कर दे दोनों पक्षों की तो यहां आ जाएगा x दी पावर 4 प्लस 1 अपॉन x दी पावर 4 इक्वल टू 11 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 121, और अब ये हो गया है प्लस वाला क्वेश्चन, मतलब यहां कितना होगा माइनस 2, तो आंसर कितना आ जा रहा होगा आपका 119, ठीक है। ये हो जाएगा आपका आंसर कि x दी पावर 4 प्लस 1 अपॉन x दी पावर 4 का आंसर हो जाएगा 119। आइए इसी टाइप का एक क्वेश्चन और देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन यही कि x माइनस वन अपॉन एक्स इक्वल टू 4 और आपसे वैल्यू पूछ रहा है x दी पावर 4 प्लस 1 अपॉन x दी पावर 4 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है ये मेरा क्वेश्चन मार्क है।
तो हम इसे सॉल्व करें तो हम इतना तो जानते हैं कि एक्स का स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स के स्क्वायर की वैल्यू हम बता सकते हैं, तो चार का स्क्वायर हो जाएगा कितना 16, और ये माइनस वाला क्वेश्चन है तो प्लस टू हो जाएगा कितना 18। मतलब एक्स का स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स के स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी कितनी 18। अब और आगे अगर हम इसे सॉल्व करें तो हमें चाहिए पावर कितनी 4 की वैल्यू, मतलब मैं फिर से दोनों पक्षों का वर्ग अगर कर रहा हूँ तो अब मुझे वैल्यू मिलने वाली है एक्स दी पावर 4 प्लस वन अपॉन एक्स दी पावर 4 इक्वल टू 18 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 324, 324। अब ये प्लस वाली कंडीशन है इसलिए यहाँ माइनस कितना हो रहा होगा 2, मतलब इसका आंसर आ जाएगा कितना 322। मतलब एक्स दी पावर 4 प्लस वन अपॉन एक्स दी पावर 4 की वैल्यू कितनी आ गई 322। तो मित्रों हम धीरे धीरे करके आगे चल रहे हैं और हमारे चार टाइप कंप्लीट हो चुके हैं, तो हम ऐसे ही धीरे धीरे कॉन्सेप्ट बिल्डअप करते जाएंगे। और कोशिश कीजिए कि आपको कम से कम इन चीजों के आप नोट्स बनाएं और जहां जिस भी बुक को आप प्रिफर करते हैं उस पुस्तक से जरूर पढ़ें। तो आइए अगले टाइप की ओर चलते हैं। तो मित्रों ये दो फॉर्मूले आप जिससे जानते हो कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस टू ए बी। अब इसमें हम एक क्वेश्चन और इसका बना रहे हैं, मतलब एक फॉर्मूला और बना रहे हैं, आप उस चीज को ध्यान दीजिएगा। इतना तो होता ही है, यदि मैं इसमें प्लस टू ए बी और माइनस टू ए बी कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ये टू ए बी से टू ए बी कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यदि मैं आपसे बोलूं कि ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस टू ए बी ये कितना होता है, तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस टू ए बी, तो ये होता है कितना ए माइनस बी का होल स्क्वायर। मतलब यहां मैं लिख दूं कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो बचा कितना भी मेरे पास, तो देखो ए माइनस बी का होल स्क्वायर इसको सॉल्व करेंगे तो एक का वर्ग प्लस बी का वर्ग माइनस टू ए बी हो जाएगा, और टू ए बी प्लस टू ए बी कितना हो जाएगा प्लस का फोर ए बी। तो एक फॉर्मूला और हो जाता है कि ए प्लस बी पूरे का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस फोर ए बी। वैसे ही ये क्वेश्चन हमें कि ये फॉर्मूला हम जानते हैं कि ए माइनस बी पूरे का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना, ए माइनस बी पूरे का होल स्क्वायर इक्वल टू ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग माइनस टू ए बी होता है। यदि मैं इसमें भी प्लस का टू ए बी और माइनस का टू ए बी कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, इसका मतलब कि ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग प्लस टू ए बी, इस पूरे की बात करूं तो ये खुद एक फॉर्मूला है किसका, ए प्लस बी पूरे के होल स्क्वायर का। बचा क्या मेरे पास, अब बचा है ए माइनस टू ए बी और माइनस टू ए बी, तो कितना जाएगा माइनस फोर ए बी। मतलब एक फॉर्मूला और बन गया, कौन सा, कि ए माइनस बी पूरे का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस फोर ए बी। तो ये दोनों फॉर्मूले आप याद रखिएगा, आगे जब भी कहीं जरूरत पड़ेगी तो हम इसका यूज करेंगे। तो ये दो फॉर्मूले आप और याद रखिएगा, जो फॉर्मूला है कि ए माइनस बी पूरे दी पावर थ्री इक्वल टू होता है ए दी पावर थ्री प्लस थ्री ए का स्क्वायर बी प्लस थ्री बी का स्क्वायर ए प्लस बी दी पावर थ्री। ठीक है, ये फॉर्मूला रखिएगा, याद रखिएगा, और इससे यदि मॉडिफाई करें तो कुछ ऐसा बनेगा ए दी पावर थ्री प्लस बी दी पावर थ्री। ठीक है, इन दोनों में से यदि हम तीन कॉमन ले लें और एक ए और बी कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा ए प्लस बी पूरे दी पावर थ्री इक्वल टू एक फॉर्मूला और ए दी पावर थ्री प्लस बी दी पावर थ्री प्लस थ्री ए बी और कोष्टक में ए प्लस बी। ये फॉर्मूला मोस्ट आईएमपी है जिसका हम बहुत आगे तक यूज करते रहेंगे। एक अगला अगर हम देखें तो एक फॉर्मूला ये भी है कि ए माइनस बी पूरे का होल स्क्वायर बराबर से ए दी पावर थ्री माइनस बी दी पावर थ्री माइनस थ्री ए का स्क्वायर बी प्लस थ्री बी का स्क्वायर ए। एक ये फॉर्मूला और दूसरा आपका ये फॉर्मूला बन रहा होगा कि ए दी पावर थ्री माइनस बी दी पावर थ्री माइनस थ्री ए बी और कोष्टक में ए माइनस बी। ये मोस्ट आईएमपी दो फॉर्मूले हो जाएंगे, एक ये, ठीक है, ए दी पावर ए माइनस बी पूरे दी पावर थ्री इक्वल टू ए दी पावर थ्री माइनस बी दी पावर थ्री माइनस थ्री ए बी ए माइनस बी। और सेकेंड फॉर्मूला आपको ये याद रखना है और याद रखना ही है मस्ट आपको, ठीक है, कोई दूसरा ऑप्शन मत ढूंढिएगा कि a प्लस बी पूरे दी पावर थ्री इक्वल टू ए दी पावर थ्री प्लस बी दी पावर थ्री प्लस थ्री ए बी और कोष्टक में a प्लस बी। तो आइए इन दोनों कॉन्सेप्टों से रिलेटेड क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो कि टाइप नंबर हमारा हो जाएगा फिफ्थ। तो अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि x प्लस वन अपॉन एक्स इक्वल टू थ्री दिया है और आपसे वैल्यू पूछ रहा है कि x दी पावर थ्री प्लस वन अपॉन एक्स दी पावर थ्री। सबसे पहले हम इसे बेसिक से सॉल्व करेंगे कि यदि हमें एग्जाम में कुछ याद ना आए तो हम बेसिक से कैसे सॉल्व करेंगे।
फिर उसके बाद हम इसी ट्रिक की ओर चलेंगे कि इसे हम शॉर्टली कैसे करेंगे जिसे हम देखते ही आंसर बता सकते हैं। तो हमें वैल्यू चाहिए पावर थ्री की, और पावर थर्ड की अगर वैल्यू चाहिए तो आप क्या कर दीजिए, दोनों पक्षों की पावर थ्री कर दीजिए। तो x प्लस वन अपॉन एक्स पूरे दी पावर अगर मैं कर दू थ्री इक्वल टू थ्री दी पावर कर दू थ्री, तो आगे सॉल्व करूं तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा x दी पावर थ्री प्लस वन अपॉन एक्स दी पावर थ्री प्लस थ्री, a की वैल्यू क्या है x प्लस वन अपॉन एक्स सॉरी इंटू एक्स, और यहाँ हो जाएगा x प्लस वन अपॉन एक्स इक्वल टू थ्री दी पावर थ्री, कितना हो जाएगा 27। मतलब जो मैं फॉर्मूले की बात कर रहा था कि ए दी पावर थ्री प्लस बी दी पावर थ्री प्लस थ्री ए बी और ए प्लस बी, उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मैंने इसे तोड़ दिया। एक्स एक्स तो हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। आगे अगर मैं देखूं कि एक्स प्लस वन अपॉन एक्स है तो इस पूरे की वैल्यू मैं यहां से यहां रख सकता हूं, तो यहां हो क्या जाएगा एक्स का एक्स दी पावर थ्री प्लस वन अपॉन एक्स दी पावर थ्री प्लस थ्री इंटू इस पूरे की वैल्यू मुझे दी है कितनी थ्री, तो यहां मैं अगर थ्री लिख दो इक्वल टू कितना 27, तो थ्री थ्री इधर कितना जाएगा 9, और 9 इधर जाएगा तो बचेगा कितना 27 माइनस 9, तो आ जाएगा कितना 18। मतलब एक्स दी पावर थ्री प्लस वन अपॉन एक्स दी पावर थ्री की वैल्यू कितनी आ गई है 18, ये हो जाएगा आपका आंसर। यदि बेसिक से सॉल्व करते हैं तो कुछ हम ऐसा सॉल्व करते हैं। आइए तो हम कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं जिससे कि हम क्वेश्चन को देखते ही कैसे आंसर लगाएं। तो देखिए क्वेश्चन आपको ये दिया है कि x प्लस वन अपॉन x इक्वल टू यदि a हो, और वैल्यू पूछ रहा हो कि x दी पावर थ्री प्लस वन अपॉन x दी पावर थ्री की वैल्यू क्या होगी। तो हम इसका भी बेसिक करते कि दोनों पक्षों की पावर कर दे तीन, क्योंकि हमें पावर तीन की वैल्यू चाहिए। तो ये हो जाएगा ए दी पावर थ्री मतलब एक्स दी पावर थ्री प्लस बी दी पावर थ्री मतलब वन अपॉन एक्स दी पावर थ्री प्लस थ्री, ए की वैल्यू आ गई x, b की वैल्यू आ गई 1 अपॉन x, और आ जाएगा x प्लस 1 अपॉन x इक्वल टू a दी पावर कितना जाएगा 3। और आगे सॉल्व करोगे तो x से x तो कैंसिल आउट हो जाएगा। यहां अगर आप देखोगे तो x प्लस 1 अपॉन x की वैल्यू आपको कितनी दी थी a, मतलब इसकी जगह आप लिख सकते हैं a। तो x दी पावर 3 प्लस 1 अपॉन x दी पावर 3 प्लस कितना जाएगा 3 इंटू इस पूरे की वैल्यू कितनी है हमारे पास a इक्वल टू जाएगा x दी पावर 3। तो यहां आ जाएगा x दी पावर 3 प्लस 1 अपॉन x दी पावर 3 इक्वल टू 3a, इधर जाएगा तो कायम हो जाएगा माइनस में, तो x दी पावर 3 सॉरी यहां क्या जाएगा a, तो a दी पावर 3 माइनस 3a, ये हो जाएगा हमारा एक कंसेप्ट। ठीक है, ये कंसेप्ट हो जाएगा। इसका मतलब है कि जब भी आपको वैल्यू दे रखी होगी x प्लस 1 अपॉन x इक्वल टू कुछ दिया हो तो उसी राशि का स्क्वायर माइनस 3a हो जाएगा। तो इसे और डिटेल से देखते हैं हम। अब देखिए कंसेप्ट कुछ ऐसा है कि x प्लस वन अपॉन x इक्वल टू हमें कितना दिया है a। अब a दिया है, जब पावर थर्ड की वैल्यू निकालनी होती तो हम इसी a दी पावर कर देते हैं 3 और इसी a में 3 का गुणा करके क्या कर देते हैं माइनस, तो हमारी वैल्यू x दी पावर 3 प्लस वन अपॉन x दी पावर 3 की वैल्यू आ जाती है। तो हमें दिया है कि x प्लस वन अपॉन x इक्वल टू कितना दे रखा है इसने 3, और हमें x दी पावर 3 प्लस 1 अपॉन x दी पावर 3 की वैल्यू चाहिए। तो आप करोगे क्या, इस 3 की पावर 3 करोगे तो आ जाएगा कितना, सबसे पहले इस 3 की पावर 3 होगी जस्ट इसके अकॉर्डिंग, तो 3 दी पावर 3 हो जाएगा 27 माइनस 3 इंटू इस 3 में इंटू कर दोगे किसका, इस 3 का, तो कितना जाएगा यहाँ 27 में से 9 माइनस करोगे तो 18 आपका हो जाएगा आंसर। वैसे हम अगला क्वेश्चन अगर देखें तो यहाँ 4 दिया है, मतलब सबसे पहले इसकी पावर कितनी कर दें हम 3, 4 के घात 3 करें तो आ जाएगा 64, और इसी 4 में 3 का गुणा करके माइनस करता है, तो जो 4 गुणित कितना 3, तो 12 माइनस करोगे तो कितना जाएगा 52, ये हो जाएगा आपका आंसर। वैसे अगले क्वेश्चन का अगर आप आंसर निकालोगे तो 5 दी पावर 3 करोगे तो 125 माइनस इसी 5 में किसका गुणा करके माइनस करना है 3 का, सपोज इसके अकॉर्डिंग हो रहा है हर चीज, तो ये जाएगा 5 या 15, मतलब सॉल्व करोगे तो जाएगा 110। मित्रों कुछ इस टाइप के क्वेश्चन मैंने 3 से 4 एग्जांपल लिए हैं जिससे आप बहुत आसानी से चीज को समझ सको कि x प्लस वन अपॉन x इक्वल टू a दिया है तो x दी पावर 3 प्लस वन अपॉन x दी पावर 3 की वैल्यू हो जाएगी a दी पावर 3 माइनस 3a। तो आइए अगले कंसेप्ट की ओर चलते, तो आइए अगला कंसेप्ट देखते हैं। अगला टाइप टाइप नंबर 6 होगा ये हमारा। आपको दिया है कि x माइनस वन अपॉन x इक्वल टू 3 और आपसे वैल्यू पूछ रहा है कि x दी पावर 3 माइनस वन अपॉन x दी पावर 3 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो आप जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमें पावर
थर्ड की वैल्यू चाहिए तो दोनों पक्षों की पावर आप कर दोगे 3, तो मतलब x माइनस 1 अपॉन x पूरे दी पावर कितनी कर दोगे 3, इक्वल टू 3 दी पावर कर दोगे 3। और आगे सॉल्व करोगे इसे तो ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग खुल जाएगा, तो x दी पावर 3 तो a की घात 3 माइनस बी की घात 3 मतलब 1 अपॉन x दी पावर 3 माइनस 3, a की वैल्यू कितनी है हमारे पास x इंटू बी की वैल्यू 1 अपॉन x और कोष्टक में जाएगा x माइनस 1 अपॉन x इक्वल टू 3 दी पावर 3 हो जाएगा कितना 27। और आगे जब इसे सॉल्व करोगे आप तो x दी पावर 3 माइनस 1 अपॉन x दी पावर 3 x से x तो हो जाएगा कैंसिल आउट, तो x माइनस 1 अपॉन x की जगह आप कितना लिख दोगे 3, तो माइनस 3 इंटू 3 इक्वल टू 27। तो x दी पावर 3 माइनस 1 अपॉन x दी पावर 3 इक्वल टू 3 3 9, तो 9 इधर जाएगा तो माइनस का 9 इधर आ जाएगा प्लस में, मतलब हो जाएगा कितना 36। तो ये हो जाएगा हमारा बेसिक से यदि सॉल्व करते तो आंसर कि x माइनस 1 अपॉन x इक्वल टू 3 दिया है, तो हमें वैल्यू लानी है x दी पावर 3 माइनस 1 अपॉन x दी पावर 3 की, तो वो कितनी आ जा रही है 36 आ जा रही है। तो आइए इसका कंसेप्ट देखते हैं कि हम कंसेप्ट वाइज से कैसे सॉल्व करेंगे। तो आइए कंसेप्ट की ओर चलते हैं कि x माइनस 1 अपॉन x इक्वल टू a दिया और आपसे वैल्यू पूछे कि x दी पावर 3 माइनस 1 अपॉन x दी पावर 3 की हमें वैल्यू चाहिए, तो करिए क्या इसके दोनों पक्षों की पावर कर दीजिए 3, तो x माइनस 1 अपॉन x पूरे दी पावर कितना कर दे हम 3 इक्वल टू a दी पावर हो जाएगा 3। अब a दी पावर 3 हो जाएगा मतलब हम इसे सॉल्व करेंगे तो x दी पावर 3 माइनस 1 अपॉन x दी पावर 3 माइनस 3, a की वैल्यू है x, b की वैल्यू 1 अपॉन x और कोष्टक में जाएगा x माइनस 1 अपॉन x इक्वल टू कितना हो जाएगा a दी पावर 3। इस पूरे की वैल्यू हमारे पास कितनी थी a, तो यहां लिख दोगे a और x से x हो जाएगा कैंसिल आउट, तो x दी पावर 3 माइनस 1 अपॉन x दी पावर 3 माइनस 3 इंटू यहां आ जाएगा कितना a इक्वल टू हो जाएगा a दी पावर 3। और आगे सॉल्व करोगे तो x दी पावर 3 माइनस 1 अपॉन x दी पावर 3 इक्वल टू हो जाएगा a दी पावर 3 प्लस ये वैल्यू माइनस किधर जाएगी प्लस में, तो कितना जाएगा 3a। मतलब ये हो जाएगा हमारा कंसेप्ट कि जब भी आपको वैल्यू दी हो कि x माइनस 1 अपॉन x इक्वल टू a, तो आपको वैल्यू चाहिए किसकी x दी पावर 3 माइनस 1 अपॉन x दी पावर 3, तो आप करोगे क्या a दी पावर 3 प्लस 3a करोगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो आइए इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। तो कंसेप्ट कुछ ऐसा है कि x माइनस 1 अपॉन x इक्वल टू a दिया हो, मतलब कोई नंबर दिया हो और आपसे पूछे कि x दी पावर 3 माइनस 1 अपॉन x दी पावर 3 की वैल्यू, तो इस a दी पावर 3 कर दो प्लस इसी a में 3 का गुणा करके जोड़ दो, तो आपका आ जाएगा आंसर। कहने का मतलब है कि x माइनस 1 अपॉन x इक्वल टू 3 दिया और आपसे वैल्यू पूछ रहे कि x दी पावर 3 माइनस 1 अपॉन x दी पावर 3 की वैल्यू बताइए, तो आप करोगे क्या इस 3 दी पावर कितना कर दोगे इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 3, तो कितना आ जाएगा 27 प्लस इसी 3 में गुणा करना किसका 3 का, तो कितना आ जाएगा 9। मतलब आपका आंसर आ जा रहा होगा कितना 36 आ जाएगा, यह आ जाएगा आपका आंसर। वैसे आप इस अगले क्वेश्चन को देखोगे तो यहाँ x माइनस 1 अपॉन x इक्वल टू 4 दिया और आपसे वैल्यू पूछ रहा है कि x दी पावर 3 माइनस 1 अपॉन x दी पावर 3, तो जब इसे सॉल्व करोगे आप तो यहाँ 4 की पावर कितना कर दोगे 3, तो आ जाएगा 64 और इसी 4 में आप गुणा कर दोगे किसका 3 का, और यहाँ अगर प्लस है मतलब जब माइनस वाली कंडीशन है तो प्लस करना है, और प्लस वो भी कितना इसमें 3 का गुणा करके, तो कितना जोड़ दें हम 12, तो सॉल्व करोगे तो कितना जाएगा 76, ये हो जाएगा आपका आंसर। वैसे आपको दिया है कि x माइनस 1 अपॉन x इक्वल टू 5 दिया और वैल्यू पूछिए x दी पावर 3 माइनस 1 अपॉन x दी पावर 3, सॉल्व करोगे तो 5 की घात जब आप 3 करोगे तो कितना जाएगा 125 प्लस इस 5 में 3 का गुणा करोगे तो जाएगा 15, जो कि आपका आंसर आ जा रहा होगा 140। ठीक है, तो मित्रों ये हमने अभी तक 6 कॉन्सेप्ट देख लिए हैं और आगे कॉन्सेप्ट आगे देखते हैं। तो फ्रेंड वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आगे इसी तरह आप हमारे साथ जुड़े रहिए और इसी तरह के वीडियो हम लेकर आते रहेंगे जिसमें फुल कॉन्सेप्ट वाइज और सारे चैप्टर आते रहेंगे। और अभी तक यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक जरूर करना ना।